इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ना। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं गायत्री माता के, पंचमुखी गायत्री माता के प्रांगण में जो पवित्र नगर में स्थापित है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आज संध्या के वक्त में, जैसे कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पे दिव्य महायज्ञ का आह्वान किया गया है और इस नगर के तमाम मेरी माता बहनें और चाचा चाची सभी उपस्थित होकर के माँ गायत्री का इस महायज्ञ में, दिव्य महायज्ञ में आकर के पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। आप कब आएंगे, विलम्ब ना कीजिए, आइए जल्द से जल्द माता के धाम में पहुँच करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अपनी बातों को मैं आगे लेके चलूं, उसके पहले मैं आपको कुछ और बातों को रखना चाहूँगा। पंचमुखी गायत्री माता के मंदिर पवित्र नगर वार्ड नंबर 46 में है। पंचमुखी गायत्री माता मंदिर के द्वारा समाज कल्याण के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम रखा गया है। 7 सूत्रीय कार्यक्रम पे मैं प्रकाश डालते हुए आपको बता दूं कि पहला है साधना, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य संवर्धना, पर्यावरण संरक्षण चौथा, और पांचवा नारी जागरण, छठा कुरीति उन्मूलन, सातवा स्वावलंबन, स्वावलंबन कार्य के प्रारूप सिलाई, स्वावलंबन बनाने के लिए यहाँ आपको इस तरह की शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, सिलाई बुनाई पापड़ अचार मुरब्बा खाद मसाला अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने के प्रशिक्षण के साथ। तो आइए स्वावलंबन बनिए और आप किसी भी बैसाखी का आप श्री हरि नारायण और गायत्री माता के संतान हैं तो उनके कृपा से आप अपना पहचान स्वयं बनाएं। धन्यवाद, प्रेम से बोलिए गायत्री माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर मोचन वीर हनुमान जी की जय, जय श्री राम। और मोहताज ना रहे। सुनवाले बाबा जगरो पाले बाबा तिरसुल पाए मेरा भरोसा कहीं टूटे ना। Thank you.
देखिए बहने इतना आपको प्यार करती है। अच्छा आज क्या संदेश देना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। सामने हमारे घर की बेटी है जी जी युवा इस राष्ट्र का धरोहर है निसंदेह इस राष्ट्र का निर्माता है निसंदेह आपसे विधाता है हम आपसे सहमत हैं। संदेश और क्या दे सकते हैं गणेश बाबा भोलानाथ के आशीर्वाद से ये लोग दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ट्यूशन सब कुछ अच्छा है और आने वाले दिनों में ये सब बहुत ही अच्छा तरक्की प्रोग्रेस कर रही है। व्रत पुत्र हैं बाबा भोलेनाथ के माता सरस्वती के और शिव और शक्ति दोनों के व्रत पुत्र हैं। आप हमेशा इस जीवन में हमेशा आनंद में जीवन रहे यह हमारी शुभकामना है। हमेशा तरक्की के रास्ते पर जाए यह हमारी शुभकामना। जब आज इस मंदिर में आप आ गए हैं समझिए आप झोली भर के ले जाइए। बाबा भोलेनाथ इतना देगा कि आप रख नहीं पाएंगे। हर हर आपको कोटि कोटि धन्यवाद इतना बड़ा और इतना अच्छा उपहार मुझे देने के लिए। इस उपहार को रखने का झोली ही मेरा कम पड़ गया। धन्यवाद स्वागत है आपका। कितने वर्षों से यहाँ से जुड़ी हुई हैं? 5 साल। कैसा लग रहा है आपको जुड़ करके? अच्छा लगता है। पहले तो यहाँ हम लोग नहीं आते थे हालांकि मंदिर था जब से कोई यहाँ ज्यादा नहीं आता था। जब से वो अंकल जी आए हैं सबके पास बोले जाके कि इस मंदिर को हम लोग को अच्छा करना चाहिए अच्छा बढ़ाना चाहिए पूजा करना चाहिए तो अब सभी आने लगे और ये मंदिर तो आप देख ही रहे हैं कितना आगे बढ़ा है। पहले कुछ नहीं था अभी सब कुछ दिख रहा है तो ये सब राजी अंकल के कारण ही हुआ है और हम लोग आके आगे बढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ों को। लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए यहाँ पूजा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को अपने शब्दों में? यही बोलना चाहूँगी अपना कल्चर है वो छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि क्या होता है ना अगर आप पहले से जुड़े हुए सबके साथ तो हम लोगों का एट द एंड वी वॉन्ट गॉड ओनली हम लोगों को भगवान कुछ भी होती है तो हम लोगों को भगवान ही चाहिए होते हैं। तो बस अगर हम भगवान को याद ना कर पाए तो वो डेली बेसिस में ही याद करें तो वो आपका लाइक एक अलग ही उत्साह माना जाता है। धन्यवाद। आपको कैसा लगता है यहाँ पर जब भी आप आती हैं? बहुत अच्छा लगता है। आप अपना अनुभव थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। क्या बताएं? क्या नाम है आपका? संगीता। तो संगीता माँ मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। तो आप इसके अलावा समाज में यहाँ से निकलने के बाद में लोगों को बताती हैं अपना इस गायत्री परिवार के बारे में तो आपको अपने बच्चों को यहाँ से जोड़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी है। अच्छा 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 अपना अनुभव शेयर कीजिए। मेरा घर नजदीक है। जी 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 मैं 9 साल हो गया इधर बैठा हुआ अभी ना 1.5 साल हो गया ये जी थोड़ा सा मंदिर का जी देता है भगवान वही छप्पर मार देते हैं। दीप प्रज्वलित प्रोग्राम में आते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ना। ये हमारा एक मिशन है जो गायत्री के माध्यम से हरिद्वार शांति कुंज हमारा हेड ऑफिस है और उसका शाखा यहाँ पर है सिलीगुड़ी में जलपाईगुड़ में है। तो हमारा उद्देश्य है धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण कि व्यक्ति धार्मिक बने धार्मिक रुचि के माध्यम से अपने जीवन को सुधार करे अपनी बुराइयों को छोड़े और अच्छाइयों का धारण करें। जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो निकल जाने के बाद में उसमें एक आनंद का अनुभव होता है और आनंद का अनुभव करना ही ईश्वर सत्ता का प्राप्त प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब तक आपके सानिध्य में कितने लोग इसमें ये किए हैं मतलब हिस्सा लेकर के अपने आप को परिवर्तित करने की चेष्टा किए हैं? अपने जीवन में हमने 1994 से हम जुड़े हुए इस परिवार से और अब तक 2007 से इस सिलीगुड़ी जोन में संविधान देते हुए आए हैं। पहला यहाँ हम संविधान सिलीगुड़ी में दिए उसके बाद जयगांव चले गए उसके बाद अलीपुर द्वार गए उसके बाद क्या कहते हैं गुवाहाटी चले गए उसके बाद तीनसुकिया भी गए
इधर उत्तराखंड में आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड भी समय दान दिए, अररिया डिस्ट्रिक्ट में 2 साल का समय दान दिए, प्रचार प्रसार में ही समय दान देते हुए आ रहे हैं। तो ये जितना भी आप समय दान दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके समय दान के बाद में समाज में जो लोग आज तक, अभी जैसे कि वेस्टर्न कल्चर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे नौ युवकों के अंदर में, तो ये आपका युद्ध और ज़्यादा बढ़ गया है, चुनौती बढ़ गया है समाज में पश्चिमी सभ्यताओं को देखते हुए, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये कैसा रहा आपको, क्या बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है कि आप आराम से इसको कवर कर? हाँ, संघर्ष तो करना ही पड़ रहा। आज हमारे युवा वर्ग के लड़के जो है विदेशी कल्चर को ही ज़्यादातर अपना रहा है, इसमें उनको सुधार लाने में करने में थोड़ा दिक्कत उठाना पड़ रहा है, और हमको पूरा विश्वास है कि आगामी आने वाले समय में ये लोग सबको अपना भारतीय धर्म संस्कृति